मी डॉक्टर रायमन पाटील कात्री हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट आणि सोनोलॉजिस्ट आहे. इथे सगळे प्रकारचे स्त्रीरोग निदान होतात. आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है. पवित्र ईद मिलाद के अवसर पर सोलापुर शहर में मिलाद का जुलूस खत्म होते ही हर साल सोलापुर शहर के लोक प्रसिद्ध व्यापारी एमराउंड की ओर से आम दावत की जाती है. इस साल भी 29 सितंबर 2023 को बीजापुर बेस पर जुलूस खत्म होते ही सभी धर्मों के लोगों के लिए आम दावत का इंतजाम एमराउंड की ओर से किया गया है. अस्सलाम वालेकुम. जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस निकलने के बाद बीजापुर बेस में एमराउंड की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खाने का प्रोग्राम किया गया है और आप सभी हजरात को आम दावत है, आप आकर खाना खा सकते हैं. कितने सालों से करते हैं खाना? मैं 23 साल हो गए. 2-3 साल पहले जूस बनाकर देता था, मैंगो जूस बनाता था. फिर खाना दस्तरखान वसी करने की बात आई तो खाना बनाना शुरू किया. अभी 20 साल हो रहे हैं खाना बना रहे. 20 साल ये जुलूस जो है 29 तारीख को निकलने वाला है. अच्छा. और ये ईद मिलाद का जो दिन है वो 28 तारीख को है. खाना कब रहेगा? 29 तारीख को जुम्मा के दिन जुलूस जैसे आता है बीजापुर बेस पर 12 बजे आएगा तो खाना शुरू करेंगे हम. मतलब ये खाना आम दावत पूरे सोलापुर वासियों को रहेगी, सिर्फ यहाँ जुलूस में शामिल होने वाले लोगों को के नहीं नहीं आम दावत. हाँ. आम दावत रहेंगे हर साल. आम दावत ही काम. आम दावत तो ही बोल कर देंगे. खाने का लुत्फ उठा सकता है. हाँ, कोई भी लुत्फ उठा सकता है. हाँ. क्या संदेश है, क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं. ये जहाँ चीज ही क्या लोह कलम तेरे हैं. अल्लाह ताला बोल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर तो तुझे तकदीर का कलम दूंगा. तो हम उनके शान अकदत में खाना बनाते हैं, ये हमारा अकीदा है. और मैं कहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग डीजे वगैरह ये वो लगाते हैं तो वो लोग भी जो है ना खाना या शरबत बांटे और दरूद शरीफ के साथ, अदब के साथ, इत्मीनान के साथ जुलूस का जो है ना एहतमाम करते हुए निकले और जुलूस जो है ना इंशाल्लाह सही सलामत होए उनका. ये कहाँ बिताया जाएगा लोगों को खाने के लिए? आप परिसर वगैरह बता दीजिए. बीजापुर बेस में बनाता हूँ मैं. हाँ. इंशाल्लाह वहीं पर बनाऊंगा. क्या संदेश देना चाहेंगे सोलापुर वासियों को, जुलूस में शामिल होने वाले लोगों को, क्या कहना चाहेंगे यमराउंड की तरफ से? यमराउंड की तरफ से जो है ना शांति से जुलूस निकले और दरूद शरीफ पढ़ते हुए जिक्र करते हुए गलत नारे ना लगे और कलर का जो है ना कलर ना खेले, चाहे वो गुलाल हो या हरा हो या कोई दूसरा कलर हो, ना खेले ना बाजा हो ना बैंड बाजा हो या कोई आजकल जो है ना बैंजो वगैरह लगा रहे हैं वो ना लगाते हुए जो है ना ये जो है ना बहुत बड़ा जुलूस का ये है. और इत्मीनान और सुकून से जिक्र करते हुए निकले जुलूस.